बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। गुरु ही ईश्वर है। एक दिन श्री महाराज जी ने किसी भक्त के घर भोजन करने के लिए गए थे। उसी समय आपकी पवित्र सेवा में काफ़ी महात्मा थे। श्री महाराज जी के चारों ओर महात्मा थे, आप मध्य में राजमान थे। आपकी मौज वन श्री सदगुरु देव जी के सभी महात्माओं से बारी बारी पूछा कि आप में से किसी ने ईश्वर देखा है क्या। अपनी बुद्धि अनुसार सभी महात्माओं ने उत्तर दिया। कई महात्मा कहने लगे कि हम अभी ईश्वर दर्शन करने के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। इतने में स्वामी अभेदानंद जी की बारी आ गई। वह कहने लगे, गुरुदेव जी, जब से आपके पवित्र दर्शन किए हैं तब से मन में कभी संकल्प ही नहीं उठा है कि आपके अतिरिक्त और कोई भी हमारा ईश्वर है। मेरे लिए तो आप ही साक्षात ईश्वर है। मुझे इसी में परम सुखी दिव्य नंद की प्राप्ति हो गई है। स्वामी अभेदानंद जी के उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराए और भोली भाली सूरत से फिर बोले, सेवकों को तो ठीक ऐसे ही यत्न सोचना चाहिए। उसके लिए ही गुरु ही ईश्वर होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री महाराज जी गुरु गीता के उस महामंत्र का उच्चारण सार सिद्धांत अपने इन सेवकों को समझाते रहे थे, जिसमें कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव अर्थात पारब्रह्म है। ऐसे ही गुरुदेव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।